नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर सियासत अपने चरम पर है। राज्यपाल राम नाईक ने इसे लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं तो अखिलेश बौखलाए हुए हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने गुस्से में लाल पीले होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने खुद पर लगे हर एक आरोप का एक के बाद एक जवाब दिया और अपनी तिलमिलाहट में योगी सरकार और अफसरों पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने बंगले में तोड़फोड़ के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वो बंगले से वही सामान लेकर गए हैं जो उन्होंने लगवाया था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी यूपी में चार जगहों पर अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, यही वजह है कि जलन से वो आरोप लगा रही है। अखिलेश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इस पूरे विवाद में टोटी ने भी अहम भूमिका निभाई। आरोप लगा कि अखिलेश घर की टोटी उखाड़ कर ले गए थे। अखिलेश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टोटी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने इस टोटी को दिखाते हुए कहा कि इसकी कीमत उनकी सरकार में बटे लैपटॉप से ज़्यादा नहीं है। अखिलेश ने कहा कि उस घर में उन्होंने अपने हिसाब से काम करवाया था क्योंकि वो घर उन्हें ही मिलने जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने योगी, केंद्र सरकार और बीजेपी समेत कई अफसरों पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने अपनी विलासिता को छुपाने के लिए बंगले में ये तोड़फोड़ करवाई है।